गली बॉय की सफलता से जोया अख्तर बेहद खुश, जल्द बनेगा इस फिल्म का दूसरा पार्ट। जोया अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म गली बॉय ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर सफलता हासिल की है और 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की एक्टिंग के साथ साथ इसकी कहानी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया है। अब फिल्म को लेकर इसके फैंस के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार इस फिल्म के मेकर्स इसके सीक्वल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म की निर्देशक जोया अख्तर ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि फिल्म का सीक्वल बनाया जाएगा। जोया अख्तर ने कहा, मेरी सहलेखक रीमा कागती और मुझे लगता है कि हमारे देश में हिप हॉप के कल्चर पर अभी बहुत कुछ है जिसे बयां किया जाना बाकी है और अगली फिल्म की थीम की स्क्रिप्टिंग और प्लानिंग चल रही है। पिछले कुछ समय से ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि यदि फिल्म का अगला पार्ट बनता है तो उसमें फरहान अख्तर को कास्ट किया जाएगा। इन कयासों को विराम देते हुए जोया ने कहा कि वो गली बॉय के अंदाज में फिट नहीं बैठते और हम दोनों इसे लेकर मायूस भी हैं। इसी के साथ रॉक कौन सी रीच से जुड़ने के बाद उनकी छवि म्यूजिक के अलग प्रकार से जोड़ी और पहचानी जाती है, इसलिए दर्शकों के लिए भी उन्हें स्टेडियम रॉक परफॉर्मर से सीधे हिप हॉप अंदाज में देखना बेहद अजीब होगा। फिल्म गली बॉय में रणवीर और आलिया के अलावा कल्कि, सिद्धांत चतुर्वेदी और विजय वर्मा अहम किरदार निभाते नजर आए थे। फिल्म की कहानी धारावी के एक लड़के मुराद के बारे में है जो रैपर बनकर दुनिया में अपना नाम करना चाहता है। फिल्म इस लड़के के स्ट्रगल की दास्तां बताती है।